हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मॉक टेस्ट के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुका है। दूसरा, जो MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी करना है, तो उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए कौन से पोर्टल पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो के अंत में हम एक मॉक टेस्ट भी परफॉर्म करके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो बीटेक, डिप्लोमा, फार्मेसी तीनों के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि डिप्लोमा का जो मॉक टेस्ट है वो 12 से 2 के बीच में है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है या फॉर्म भर लिया है। और ऑलरेडी हमने बताया है कि जो बीटेक का मॉक टेस्ट होगा वो 4 से 5 के बीच में इवनिंग में होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग और फार्मेसी के अपीयर हो सके इस मॉक टेस्ट में। क्योंकि जो मॉक टेस्ट होने वाला है कल यानी कि 19 जनवरी 2021 को शाम 4 से 5 बजे के बीच में होना है मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट के लिए कुछ SOP है, कुछ गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको degree.rgpbexam.in पे जाना है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्रोम ब्राउजर में ही ओपन होगा। दूसरा पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव वेबकैम फॉर लैपटॉप या डेस्कटॉप और फ्रंट कैमरा फॉर मोबाइल फोन्स। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट में अपियर हो रहे हैं आपके अपने मोबाइल फोन से, तो आपका कैमरा जरूर ओपन होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम आपका स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, अलाउ क्रोम टू एक्सेस द कैमरा इन द सिस्टम एल्स एग्जाम विल नॉट स्टार्ट। तो आपको जब भी आप एग्जाम में अपियर होंगे तो वहां पे वेब कैम को अलाउ करने को आएगा, तो वहां पे आपको अलाउ करना है, अदरवाइज आप एग्जाम आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो हमने सबसे पहला पॉइंट ही डिस्कस किया था कि आपको degree.rgpbexam.in पे जाना है और क्रोम ब्राउजर में ओपन होगा। दूसरा पॉइंट है, क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन बटन एट द राइट टॉप ऑफ स्क्रीन। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर में, और वहां पे टाइप करना है degree.rgpbexam.in। देन आपका स्टूडेंट पोर्टल्स ओपन होगा और वहां रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपसे आपका डिटेल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपका यहां पे फुल नेम, देन आपका फादर्स नेम, और यहां पे डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYYYY के फॉर्मेट में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ पे लास्ट में आपकी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी एज पर RGPB रिकॉर्ड जो RGPB में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा। देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पे। तो हो सकता है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन फेल्ड, नो रिकॉर्ड मैच विद दिस डेटा, ऐसा शो हो सकता है आपके अकाउंट में। अगर आपने सब कुछ सही सही यहाँ पे इंटर किया है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है। जैसी अपडेट हो जाएगा आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जिसमें एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और देन आप क्लिक करेंगे क्रिएट पासवर्ड पे। तो जैसे ही आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक लॉगिन पेज अवेलेबल होगा, उस लॉगिन पेज पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपका पासवर्ड जो आपने अभी जस्ट क्रिएट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। ये चूंकि यहाँ पे डिप्लोमा का लॉगिन पेज है, चूंकि हमारा बीटेक का अभी अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाया है, जैसे डेटा अपडेट होगा अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा, और इस डैशबोर्ड में आपका जब भी मॉक टेस्ट होगा यहाँ पे मॉक टेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस डैशबोर्ड में आपका मॉक टेस्ट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर होगा, जितने भी सब्जेक्ट आपको अलॉट होंगे, सब्जेक्ट नेम होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कोड होगा, पेपर टाइप होगा, ऑनलाइन एग्जाम अवेलेबल, और यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम। यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का आपको पोर्टल, एग्जाम पोर्टल ओपन होगा, यहाँ पे पेपर कोड आपको दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट जब आप ड्रॉप डाउन करेंगे नीचे जब आएंगे, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे आपको क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपका पेज ओपन हो जाएगा, एग्जाम पेज, और यहाँ पे क्वेश्चन होगा और उसके चार ऑप्शंस होंगे जिसमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आंसर को क्लियर भी कर सकते हैं। और राइट साइड आपको यहाँ पे अनसीन कितने क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, विजिट नहीं किए हैं, यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपने सीन कर लिए हैं और कितने क्वेश्चन आपने आंसर कर लिया, यहाँ पे सारा स्टेटस शो होगा। और यहाँ पे सिंकिंग का मतलब ये है कि सपोज कि आप एग्जाम दे रहे थे और उस टाइम आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब हो गया या किसी वजह से एरर आ गया तो यहाँ पे और क्वेश्चन वहाँ पे सबमिट नहीं हो पाया तो यहाँ पे सिंकिंग में दिखा देगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे जो सबमिट नहीं हो पाएंगे यहाँ पे सिंकिंग में दिखाया यहाँ पे शो कर देगा। और बी केयरफुल कि जब भी आप सबमिट करें तो यहाँ पे सिंकिंग आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं, मार्क्स वन के कितने क्वेश्चन हैं, मार्क्स टू के कितने क्वेश्चन हैं जिसमें आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने सीन किए हैं, और मार्क्स टू के कितने क्वेश्चन हैं, देन आपका मार्क्स फोर का उसी हिसाब से यहाँ पे आपका मार्क्स टेन का भी क्वेश्चन दिखा देगा। और यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पे आप जंप कर सकते हैं, व्यू समरी, समरी आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन टोटल हैं और क्या कितने को आपने अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट आपका जब हो जाएगा तो यहाँ पे टोटल आपका अनसीन दिखाएगा, टोटल आंसर्ड आपने कितना किया है और यहाँ पे सीन कितने किए हैं और सिंकिंग कितने हैं, देन आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर बैक टू एग्जाम पे क्लिक करके वापस पीछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।